कि ये स्टिंग है, पहले ही ये ऊपर आने का कोशिश कर रहा है लेकिन उतना ऊपर नहीं आ पा रहा है। जादू नहीं है और ये कोई जादू नहीं है, इसके अंदर देखिए ये हमने मिलाया और कितना ज्यादा ये हानिकारक हो जाता है। कहने का मतलब है कि लोग ऐसा करके पीते हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन लोग पीते हैं। ये देखिए किस तरीके से अभी झाग बनना बंद हो गया था लेकिन फिर से वो झाग वैसे ही बन रहा है। और अगर आप अब इसे हिलाएं और अब जरा इसे पी करके आप दिखाइए, लेकिन लोग ऐसा करते हैं भले ही बोतल में डाल करके इन तमाम चीजों को नहीं पीते। ये देखिए किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है, जरा एक बार देखिए इसको। ये लग रहा है कि कोई वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जिस तरीके से ज्वालामुखी फटता है उस कदर ये फट रहा है। और आर्टिफिशियल कलर इतना डाला हुआ है कि इसको जमीन पूरा लाल हो, इसको जमीन पे डालिएगा अगर किस तरीके का रिएक्शन हो, इससे जो है हम अपना उजला वाला टी शर्ट लाल बना सकते हैं। इससे हमारे देश के इकोनॉमी को तोड़ा गया है। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है उस बात का। ये भले आपको कैमरे पे देखने में कॉमेडी जैसा लगे लेकिन ये कॉमेडी नहीं है। पहले जियो, फिर जॉनसन बेबी और अब कोल्ड ड्रिंक कंपनियों पे कुमार अभिनव टूट चुके हैं। बिहार का एक ऐसा लड़का जो बार बार किसी न किसी कंपनी को उठाता है, उस कंपनी के अंदर जितनी भी गलत चीज़ें चल रही होती हैं उसे उजागर करता है और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को ज़रूर मिलता है। इस बार कुमार अभिनव ने कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स के ऊपर कार्रवाई की और उसके बाद उन्होंने एक तथ्य के साथ एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को लोगों के सामने ला करके रखा और बताया कि किस तरीके से ये कोल्ड ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, ये ब्रांड्स हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हुई हैं उन चीजों को यहां फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्या ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं कैमरा स्क्रीन पे आके, मोबाइल स्क्रीन पे आकर के, इन चीजों को तथ्य के आधार पे प्रूफ कर सकते हैं क्या? जो भी बोलते हैं तथ्यों के आधार पे ही बोलते हैं जी। अगर तथ्य के आधार पे नहीं बोलते तो जिस बात से कंपनियों को घाटा लगता है ना उसके लिए केस किया जा सकता है। लेकिन कंपनियां केस नहीं कर सकती हैं क्योंकि हम फैक्ट के आधार पे बोल रहे हैं। किस बात पे आप केस करेंगे भाई? यहां पे देखिए, यहाँ पे स्टिंग है ना, इस पे साफ लिखा हुआ है, हमें स्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हम इसको रिकमेंड ही नहीं कर रहे हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए हम इसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। इस पे नहीं लिखा हुआ है, तमाम कोल्ड ड्रिंक्स पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसके कहने का क्या मतलब है कि हम जाके 8 साल के बच्चा कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए? नहीं, ये चीज पिलाए, लेकिन लोग तो पिला रहे हैं ना बच्चों को पिलाया। स्टिंग को लोगों को तो पता भी नहीं है कि स्टिंग पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कौन सा छोटा बच्चा, कौन सा आदमी पढ़ता है ये सब चीज? नहीं पढ़ता है। इसने क्या किया है कि छोटे छोटे लाइन्स में लिख के अपना काम पूरा कर दिया है। आपके पास वो पान मसाला वाला होगा जी, ना देखिए ये सब अगर आप चीज खरीदने जाइए ना, तंबाकू वगैरह, तो उसपे शुरू में ही लिखा रहता है कि लिखा रहता है कि सावधानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के डब्बे पे कैंसर का कारण होता है, रेड वाले लाइन से लिखा गया रहता है, लोगों को पता चल जाता है। घर में छोटे बच्चे को कोई भी जर्दा नहीं खिलाएगा लेकिन ये पिलाता है लोग। तो हम यही चाहते हैं कि ये छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है, ना पिलाया जाए। ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सही नहीं है, ना पिलाया जाए। और आपको जान के ताज्जुब होना चाहिए कि जिस देश में ठंडे में मुझे लगता है ईख के रस, सत्तू के रस और सिरफल के रस से और लस्सी से बेहतर कुछ भी नहीं है, उस देश में 13,000 करोड़ का मार्केटिंग ये विदेशी कंपनियां करके चली जाती हैं। और अब तो नारियल पानी के बिजनेस को भी कमर्शियलाइज कर दिया गया है, डिब्बों में भर के नारियल पानी को ऊंचे रेट में बेचा जा रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, इन तमाम चीजों का आप बहिष्कार करते हैं? बिल्कुल 100% करते हैं। हम सिर्फ बहिष्कार नहीं करते, हम इसको पूरा गिराते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये सब चीज ना, ये सब पीने के लिए नहीं है। जो चीज गिरने में ही बदबूदार लगता हो, जो चीज इसमें क्या मिलाया गया है क्या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, उस चीज को लेके हम क्यों पियेंगे भाई? अच्छा आप कुछ बता रहे थे कि कागजों पे कुछ आपने तथ्य दिखाए थे जिनमें लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया। सबसे बड़ी बात की एक CSC का रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट कहता है कि यहाँ पे भी कोल्ड ड्रिंक्स बिकता है, अमेरिका में भी बिकता है, लेकिन जब अमेरिका में बिकता है तो उसमें कुछ और डाला जाता है और यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स बिक रहा है उसमें जो चीज डाला जाता है उसमें हैवी मेटल्स डाले जाते हैं और हैवी मेटल्स डालने का मतलब वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दो देश में एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कैसे बिक सकता है? अब ये लोगों को पता नहीं है, ये लोग जानते नहीं है। अब लोगों को बताया जाना चाहिए ना कि माउंटेन ड्यू यहाँ पे कुछ और डाल के बेच दिया गया, अमेरिका में कुछ और डाल के बेच दिया गया, क्योंकि वहां का जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है वो मजबूत है, उसने कह दिया कि इस चीज को फॉलो करो, तो वहां की कंपनियां फॉलो कर रही हैं और यहां पर किसी भी चीज के लिए कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। तो एक चीज बताइए, ये तमाम चीजें तो बहुत ज्यादा जानलेवा है, साबित हो रहा है, लेकिन आजकल कुछ टुटपुंजिया लोग, बिहार में वैसे गुटखा वगैरह बैन है लेकिन फिर भी मिल जाता है, हाथ में है जर्दा भी आराम से आपको मिल जाएगा, लेकिन इन चीजों को खा करके उसके ऊपर से लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कितना हानिकारक है, आज यही दिखाने का आज प्रयास कर रहे हैं। ये हाथ में पहले शिखर है और कहावत चलता था पहले कि बरातियों का स्वागत पान पराग से हो, शिखर से हो, इस तरीके की बातें चलती थी। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये स्टिंग है, पहले ही ये ऊपर आने का कोशिश कर रहा है लेकिन उतना ऊपर नहीं आ पा रहा है। जादू नहीं है और ये कोई जादू नहीं है,
इसके अंदर देखिए, ये हमने मिलाया और कितना ज्यादा ये हानिकारक हो जाता है। कहने का मतलब है कि लोग ऐसा करके पीते हैं, मुझे पता नहीं है लेकिन लोग पीते हैं। ये देखिए किस तरीके से अभी झाग बनना बंद हो गया था लेकिन फिर से वो झाग वैसे ही बन रहा है। और अगर आप अब इसे हिलाएं और अब जरा इसे पी करके आप दिखाइए, लेकिन लोग ऐसा करते हैं भले ही बोतल में डाल करके इन तमाम चीजों को नहीं पीते। ये देखिए किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है, जरा एक बार देखिए इसको। ये लग रहा है कि कोई वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जिस तरीके से ज्वालामुखी फटता है उस कदर ये फट रहा है। और लोग ऐसा करके पीते हैं, और समझ लीजिए जब आपके पेट में कुछ ऐसा होता हो तो आपको कैसा महसूस हो। इसे डाला एक बार और बताइए लोगों को। इसके अंदर वो गुटखा है जो आप दिन भर चबाते रहते हैं और कोई अमीर आदमी नहीं चबाता, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला ये कोई जादू नहीं है। ये हम इसलिए ये हम लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि जब ये कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो बहुत सारा चीज़ जो है वो कोल्ड ड्रिंक के साथ रिएक्शन करने लग जाता है। आप मिंटोस चॉकलेट के बारे में जानते होंगे जो च्युइंगम वगैरह टाइप का जो आता है, तो ऐसा बहुत सारा मार्केट में खुलेआम जो चीज़ मिल रहा है जिसके साथ इस कोल्ड ड्रिंक को अगर आप साथ में रखिएगा तो रिएक्शन करेगा। तो आप इसके बारे में जानिएगा तब ना वो सब चीज़ नहीं लीजिएगा। आप ये पी लिए उसके बाद मिंटोस खा लीजिए, उसके अंदर जो है रिएक्शन पेट में होने लग जाएगा, पेट में आपका खराबी करेगा। आप क्या क्या खराबी करेगा वो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन रिएक्शन होता है। अभी आपने देखा कि इसमें गुटखा में डाला। अगर हम मान लेते हैं कि ये कंपनियां कहती है कि नहीं ये ठीक है, एक डॉक्टर का नाम बता दीजिए जो जाने के बाद कहता हो कि ना तुम जाके स्प्राइट पियो, तुम जाके कोल्ड ड्रिंक्स पियो, एक डॉक्टर का नाम बता दीजिए। अगर अगर आपने बाय चांस कह दिया ना कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो कहेगा कि मना कर देगा, मत पीजिए। वो आपके ना तो स्टेमिना को बढ़ाएगा और ना ही वो आपके हेल्थ को किसी भी तरीके से सही नहीं रख सकता है। तो ये सीधा साधा प्रमाण है, मेरे पास कागज ना हो तो भी प्रूफ है। और इसे आर्टिफिशियल कलर इतना डाला हुआ है कि इसको जमीन पूरा लाल हो, इसको जमीन पे डालिएगा अगर किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, इससे जो है हम अपना उजला वाला टी शर्ट लाल बना सकते हैं। बिल्कुल, तो इतना आर्टिफिशियल कलर लेके कौन सा हमको एक चीज दिखाना चाहेंगे। भाई सबसे बड़ी बात, राष्ट्रवादी बनिए ना, क्या ये सब कंपनी का क्या डाला है, नहीं विदेशी है, बात खत्म। गर्मी के दिन में पीजिए ईख का रस, गन्ने का रस पीजिए, सत्तू का रस पीजिए, सिंपल का रस पीजिए। कितना में दिया है? 20 रुपए का, कम से कम 20 रुपए में, 12 रुपए में लीजिए बिस्कुमान के नीचे सत्तू और प्याज इतना बढ़िया बना के देगा आपको। एक बार पी लीजिएगा तब पेट भी भर जाएगा, नेचुरल रहता, कोई आर्टिफिशियल कलर उसमें नहीं रहता। ये सब फेलिए। किस तरीके से हमारे देश के इकोनॉमी को तोड़ा गया है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है उस बात का। ये भले आपको कैमरे पे देखने में कॉमेडी जैसा लगे लेकिन ये कॉमेडी नहीं है, यह हकीकत है कि हमारे देश की जो रीढ़ है और जो युवाओं के पावर का जो संसाधन है उसको खत्म करके एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाता है, और वो लॉन्च करने के बाद किस तरीके से हर एक चीज को मारता चला जाता है। देखिए साइंटिफिक तरीके से इस सब का मात्रा डिसाइड किया गया है, जो अगर स्वस्थ आदमी जो है ना वो भी इसका एक मात्रा है कि दो बोतल से ज्यादा नहीं पी सकता है, या अलग अलग का अलग है, रेड बुल का अलग है, स्टिंग का अलग है, थम्सअप का अलग है। आप समझिए कि यहाँ हम लोगों के यहाँ महिला और बच्चा जो है वो शौक से मंगाता है, ये बच्चा जो है पापा स्टिंग लेते आएगा, चाचा एक स्टिंग हमको दे दीजिए। अब उस बच्चे के स्वास्थ्य के साथ हम कैसा खिला, क्या कारण है कि उम्र जो है आज से 100 साल पहले वाले लोगों का जो उम्र है 100 वर्ष होता था और हम लोग 50 वर्ष में टे बोल जा रहा है, 20 वर्ष में जो एसिडिटी का बीमारी आ जा रहा है, ये बीमारी आ गया, वो रोशनी खत्म हो गया, ये हो गया, तो यही सब कारण है, बहुत छोटा छोटा कारण है। बस एक इलाज इसका है, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, स्वदेशी हो जाइए। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश में जो पौराणिक चीजें जो बनती आई है, जो परंपरा है, बस उसको फॉलो कीजिएगा ना, न कहीं जिम जाने का जरूरत पड़ेगा, न कहीं डॉक्टर के पास जाने का जरूरत पड़ेगा, न आपके आपके पास किसी तरह का कोई परेशानी होगा, आप स्वस्थ रहिएगा और आपकी आयु भी बढ़ेगी। आखिरी में एक बात बता दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन नहीं किया है, और ना ही हम कह रहे हैं कि ये मार्केट में बिकना बंद हो जाए। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना आप समझ के पी लेते हैं। तो इसको आप अगर पीना है तो लिमिट मात्रा में पीजिए, और कितना भी पीना है तो घर में छोटे बच्चों को तो मत ही पिलाइए, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको तो मत ही पिलाइए, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार बोतल पे लिखा रहना चाहिए कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में डाला गया है। हमारा बस, हमारी लड़ाई बस इतनी है। हाँ, कल कोई फोटो खींच के डाल दे कि पेप्सी पी रहा है तो उसमें हमारा गुनाह नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप पीना बंद कर दीजिए, पर मात्रा लिमिट होनी चाहिए। और थोड़ा है कि हर रोज एक बोतल चीजें पता होना, देखिए जहर नहीं है लेकिन ये पता होना चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है कि बुरा है। अच्छा, एक हेल्दी आदमी को कोई चीज अगर इस तरह का देते हैं और एक बच्चा को देते हैं तो दोनों का बॉडी अलग अलग है, डाइजेशन सिस्टम अलग अलग है। बच्चा का जो है वो बहुत अभी कमजोर होता है, बहुत
सेंसेटिव होता है उसमें जल्दी कोई चीज रिएक्शन करेगा, और जो मजबूत है जो जवान है उसमें कम रिएक्शन करेगा। तो पीने के लिए मना नहीं है, लेकिन इसका मात्रा लिमिट होना चाहिए, बच्चों से दूर होना चाहिए, प्रेग्नेंट महिला को तो छूना भी नहीं चाहिए। मतलब एक बात बता रहा है एग्जाम्पल के लिए कि उनको तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। गुटखा जर्दा और बाकी तरह की चीजों के साथ तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे स्टाइल में जाते हैं, बर्बाद हो जाइएगा। अभी रिएक्शन आपने देखा ना, वो पेट में फटेगा उस तरीके से, तो 100% बर्बाद हो जाइएगा, आपका लीवर खत्म हो जाएगा, खत्म। फिर आप दौड़ते रहिएगा, शौक से पीते हैं और दिखाते हैं कि भाई हम मुंह में गुटखा चबा रहे हैं, ऊपर से स्ट्रिंग मार रहे हैं। तो इस चीज को बंद करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जो लोग पी रहे हैं वो कोई बाहर के लोग, भारत के देश के बाहर के लोग नहीं, मर रहे हैं हमारे देश के लोगों को नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ इसका बिजनेस एक ही कंपनी जो है 15 तरह का जो है कलर बदल बदल के देता है, आप चेक कर लीजिए। तीन गो है ना, हो सकता है कि तीनों एक ही कंपनी का होगा। दो कंपनी तो एक जरूर है, समझे, एक ही है, दो तो एक ही होगा। ज्यादा पेप्सिको बना रही है, अब नया नया स्टिंग वगैरह आया है एनर्जी ड्रिंक के नाम पे, वही वही बेचा जाएगा, कलर चेंज कर दिया जाएगा, वही बेचा जाएगा। एनर्जी है, बताइए ना, रंगवा वाला हमें क्या एनर्जी मिलेगा? एक पेशाब जैसा कलर हो गया था और एक पूरा खूनी कलर लगा। वही बता रहे हैं कि इसमें आप एनर्जी का दावा कर रहे हैं, कितना बेवकूफ, माने भारत के लोग बेवकूफ हैं जी। ये 20 रुपया के पी लेंगे तो एनर्जी हो जाएगा, तब तो फिर सत्तू और हमारे यहाँ जो प्रकृति चीजें हैं वो तो खाना छोड़ दे आदमी, काजू किशमिश छोड़ दे, डेली दो वेस्टिंग पीते हैं और काजू किशमिश छोड़ देते हैं, तो एनर्जी आ जाएगा, बॉडी बन जाएगा हमारा। तो इस सब सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम बड़ा बड़ा कंपनी कर रहा है। हम लोगों को अवेयर होना है, चीज़ों को सही मात्रा में लेना है, चीज़ों के बारे में समझना है, जानना है, उसके बाद आप जो है अपने आप फायदा कितना है। देखिए, आप स्वदेशी हो जाइएगा तो आपके देश में जो स्वदेशी चीजें है उसको बढ़ावा मिलेगा, यहाँ जो है आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आत्मनिर्भर बनिए, उसमें सहायता मिलेगा, बाहरी कंपनियां भाग जाएंगी। तो एक तरह से ही कहिए कि मानसिक रूप से गुलाम बनाने का प्रयास है ना, कि बाहरी चीजों को लेके आइए, आदत लगा देना है। और गर्मी उस आदत से लोग जूझ रहे हैं, स्टाइल में बहुत गर्मी है, वो चलो तनी स्टिंग पीते हैं बहुत। और इन जितने भी कंपनीज हैं इनका प्रचार बहुत ही उत्तम लेवल का बनाया जाता है कि चिल करो, स्प्राइट पियो, आगे जीत है जी। लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि उस जीत, जिस जीत को आप पिला रहे हैं उसके आगे मौत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्या सोचते हैं इस गंभीर मुद्दे पे, और क्या सोचना है कुमार अभिनव के इस अभियान पे, और जिस तरीके से वो आवाज उठाते आए हैं उनके बारे में जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।